अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो आज संडे का दिन है, तो ठीक प्लान के मुताबिक हम लोग अपने सफ़र की तरफ रवा दवा। अब हम जा रहे हैं किधर, एक गांव है, गांव जा रहे हैं हम। मेरा गांव नहीं है, मेरे वालिद साहब हैं, उनका उनके एक दोस्त हैं, उनका गांव है फैसलाबाद के पास, बुच्चे की उसका नाम है। तो वहाँ पे हम अब जा रहे हैं अपनी राम प्यारी पे। ये हमारी राम प्यारी खड़ी हुई है, ये देखें राम प्यारी पे जा रहे हैं हम। और ये इब्राहिम है, ये मेरे साथ जा रहा है, ठीक है। अभी रास्ते में हम लोग रुके हैं, मैं कहा ज़रा स्टार्ट कर दो ब्लॉग, तो फिर आपको पहुँच के मुलाकात होगी। Talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise, but is it even there to find? Is there a chance for me? फाइनली गांव के अंदर एंटर हो गए हैं, और ये रोड फुल ख़राब, और हमें झटके लग 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 के हम पागल हो गए हैं। इधर भी देखो तो आप उससे ऊपर से फसलें पैली हैं, इधर भी देखो तो पैली हैं। गांव जैसा भी है, इससे प्यार है। हाँ, लेवल की जगह, लेवल। हमारे शहर में ये मज़े कहाँ पे, कहीं नहीं, कोई चक्कर नहीं, शहर में ये मज़े नहीं होते। बस पहुँचने वाले हैं। तो फिर आपसे बात होती है। पहुँच तो हम गए हैं, लेकिन हालत हमारी फुल टाइम ख़राब हुई पड़ी है, फुल थके हुए हैं। आप तो इजी हो गए वीडियो देखते हो। आगे थोड़ा सा बोतल वगैरह पी लेते, बस बस थोड़ा आराम करने के लिए आराम करेंगे, उसके बाद दो घंटे आराम करने के बाद उठेंगे, फिर देखते हैं बाहर क्या करेंगे। उठ के बाद अभी तो नींद इतनी आ रही है, समझ भी नहीं आ रही मैं बोल क्या रहा हूँ। फुल टाइम हालात ख़राब हैं यहाँ, इतनी नींद आ रही है ये पता नहीं, जैसे सदियों से सोए नहीं। इब्राहिम से ज़रा पूछें नींद आ रही है क्या हो रहा है। इब्राहिम खाना वगैरह आ गया, खाने के लिए मैं उठाया, और ब्रेम कह रहा है यार खाने को दफा करो, सोने दो। खाना वगैरह खा के उसके बाद बंद कर दे। फसलें यहाँ पे ना फसलों को पानी लगाने के लिए ट्यूबवेल बने होते हैं, तो अब मैंने कहा ट्यूबवेल चलवाते हैं, चलवा के तो ज़रा हम भी थोड़ा एंजॉय करें, नहा लूँ थोड़ा, ठंडा पानी होता है बहुत ज़्यादा ठंडा। ये सुहेल भाई हैं, ये इन्होंने ट्यूबवेल चलवाया स्पेशल मेरे लिए इन्होंने। अब मैं वो दिखाता हूँ,
पानी रखा है, ये सारा फसलों का पानी जा रहा है, यहाँ ज़मीन में से निकलता पानी, निकलने के बाद यहाँ नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया, आज दूसरा दिन है हमें यहाँ पे। ये सूरज साहब निकल आए सुबह सुबह, हाँ वैसे तो सुबह सुबह ही निकलते हैं, नज़र नहीं आ रहे ये ठीक है। तो यहाँ ना एक सुबह सुबह एक बहुत बड़ा मसला, जैसे ही सूरज निकलता साथ ही आपको अल्लाह की मखलूकें तंग करने आ जाती हैं, मक्खियाँ यानी कि मक्खियाँ। वैसे माहौल सुबह का बहुत लेवल का माहौल है। ऊपर छत पर आया हूँ, मैं ऊपर से आपको दिखाता हूँ सारा। बाकी सब वो अपना काम शुरू फजर के बाद तो यहाँ पे सब उठकर अपना काम शुरू कर देते हैं, काम वगैरह अपना कर रहे हैं। कोई उधर बैक साइड पे दूध वगैरह निकाल रहा है, कोई पट्ठे डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यहाँ पर सब लोग सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, ठीक है। और कोई फसलों में, ये बैक साइड पर फसलों में खेती बाड़ी कर रहा है। यहाँ के गांव के लोगों की ज़िंदगी इसी तरह की है, बस सुबह सुबह उठते हैं 5 बजे फजर के फौरी बाद उठते हैं, उसके बाद अपनी फसलों का काम शुरू करते हैं, गायों भैंसों को देखते हैं। एंड कोई दोपहर तक फ्री होते हैं, दोपहर को ही फिर सो जाते हैं, फिर शाम को थोड़ा सा फिर गायों वगैरह को पट्ठे वगैरह डाले, उसके बाद लास्ट रात को शाम होते ही सो जाते हैं। हमें तो रात को यहाँ नींद ही नहीं थी आ रही, क्योंकि दिन में जितनी यहाँ गर्मी थी उतनी रात को यहाँ पे सर्दी थी। सुबह इस तरह गर्मी थी कि जिस तरह कोई जून जुलाई की गर्मी होती है, और जैसे ही शाम हुई इस तरह से सर्दी पड़ रही थी जैसे जनवरी की सर्दी पड़ रही है, फुल टाइम सर्दी। हमने डबल चादरें ले कर सो रहे थे, हालांकि कमरे के अंदर सोए हैं लेकिन फिर भी चादर लेके सो रहे थे। अब नाश्ता बन रहा है नीचे हमारे लिए, इस टाइम कोई टाइम हो रहा है 5:30 हो रहे हैं, सुबह के 5:30 हो रहे हैं। मैं कभी ज़िंदगी सुबह के 5:30 ना उठूं और 5:30 बजे उठा हुआ हूँ। तो अब नाश्ता बन रहा है, नाश्ता करके उसके बाद हम बाहर जाएँगे, थोड़ा सा घूमें फिरेंगे, देन थोड़ा सा एक दो काम है यहाँ पे, घर वालों ने काम करने पड़ते हैं, उन्होंने बताया वो करके उसके बाद दोपहर का मैं वापसी निकलूँगा।
यहाँ पकाने का तरीके का इस तरह से बनता है यहाँ पे। हम 1.5 घंटे पहले निकले थे बाइक पर ही वापसी के लिए, तो तकरीबन हम पहुँच गए हैं, आगे चल जाता हूँ, तकरीबन हम पहुँच गए हैं लाहौर में, एंटर तो हो गए वैसे तो, बट घर से कोई 10 किलोमीटर का फासला बस रह गया, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आपसे मुलाकात होगी फिर, ठीक है, बाय बाय।